तो और मेरे भाइयों क्या हालचाल है यार। तो यार आ चुके एक और वीडियो के साथ वापिस। और यार आज की वीडियो में ना मैं रियलमी का बॉक्स मंगाया है। रियलमी से आते तो यानी खुद ही मंगाना पड़ता है। तो इसके अंदर ना कुछ गेमिंग एसेसरीज मैंने मंगाई है कमाल कमाल की, आपके लिए छाट के लाया हूँ भाई, जो कि बेस्ट हो सकती हैं। और ये भी बताऊंगा कि क्या आपको ये वाली लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। बाकी सबसे पहले मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आता है ना तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और ऐसे हट हट के वीडियोज ना मेरे चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलती रहती है, तो उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब आप कर सकते हो। 2 लाख सब्सक्राइबर चैनल के ऊपर फटाफट से करवा दो। बाकी अभी टेबल पर चलते हैं, सीधा इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। वैसे खोल तो मैं इसको चुका ही हूँ, तुमको दिखाऊंगा भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, क्योंकि टेस्ट भी करना पड़ता है, सीधा वीडियो नहीं बना सकते ना, तो इस चक्कर में खुला हुआ है। तो भाई ये जो अपना बॉक्स है ना, सबसे पहले आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या सामान है। ये खोल लिया है हमने। सबसे पहले भाई गेमिंग ट्रिगर्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, और उसके बाद एक दूसरे प्रकार के गेमिंग ट्रिगर्स भी हैं। बाकी भाई रियलमी कूलिंग बैक क्लिप भी है, और इससे पिछली बार वाला ये वाला मंगाया था हमने, ये वाला 1800 रुपए का था। अभी इनका भी प्राइस आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये वाला जो अपना पंखा है ना रियलमी का, इस बार सस्ता थोड़ा सा देखने को मिलता है, वो 1800 का था, ये 1000 रुपए का है, 800 रुपए सस्ता हो गया है। बाकी इस वाले की जो स्पेसिफिकेशन है ना, वो सारी आपको दिख जाएगी बॉक्स के ऊपर ही, यहाँ पे पीछे लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे फिजिकल बटन फॉर लेटेंसी फ्री कंट्रोल, गेमिंग माउस टच है, और प्रीमियम मेटल ट्रिगर्स हैं, मेटल के हैं। और बाकी बात करें क्विक क्लिक अटैच है। तो भाई इसके अंदर सीधा आपको ये देखने को मिलता है थोड़ी सी पुस्तकें वगैरह रियलमी की, जो कि कोई पढ़ने वाला नहीं है। ये बैग है, इसमें आप इसको कैरी कर सकते हो बड़े आराम से। और बिल्ड क्वालिटी वगैरह वाइज ना भाई काफी ज्यादा सही मेरे को लगे हैं। अभी इसको भी टेस्ट करेंगे, उससे पहले बाकी की भी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। बाकी भाई ये वाले जो दूसरे वाले ट्रिगर है ना, ये वाला जो है चार्ज होता है, और 1000 रुपये का इसका प्राइस है। मेरे को लगा भाई 1000 रुपये में दो आएंगे, पर एक ही साइड का आया राइट साइड वाला, तो 1000-1000 रुपये के दो लेने पड़ेंगे। ये वाला थोड़ा सा महंगा आपको देखने को मिल जाता है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कैप एयर मैपिंग टेक्नोलॉजी है, माइक्रो स्विच है, फास्ट चार्जिंग भी चार्ज होते हैं जैसे कि बताया ही मैंने आपको, और रिकैपेबल बस्ट मोड है, 80 आवर की लॉन्ग बैटरी लाइफ है, गेमिंग माउस टैक्टिलिटी। इसमें भी थोड़ी पुस्तकें, अरे माल निकल गया। ये पुस्तक है, एक केबल आपको देखने को मिलती है रियलमी वाली, और टाइप सी नहीं है पहले बता दूँ। और उसके अंदर भाई एक ये देखने को मिलता है सिर्फ आपको, स्ट्रेचेबल वाला है, ये वाला बटन है, इस हिसाब से फ़ोन पे सेट हो जाता है फ़ोन की मोटाई के हिसाब से। अभी हमारे पास जो फ़ोन है ना टेस्टिंग के लिए, पोको X3 प्रो है। बाकी इससे पतला जो डिवाइस होगा उस पर तो सेट हो ही जाएगा, पोको X3 प्रो मोटा है तो इस पर हो गया तो सब पे हो ही जाएगा भाई। थर्ड नंबर पे भाई अपना ये रियलमी कूलिंग बैक क्लिप है, इसको भी फटाफट से हम ओपन कर लेते हैं। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी सारी आपको डब्बे पे देखने को मिल जाएगी। रैपिड कूलिंग है, सेमी कंडक्टर इनहेंस हीट डिसिपेशन है, साइलेंट ऑपरेशन है, कलरफुल लैंप लाइट है, लाइट वेट है, फ्री स्ट्रेस्ड डिजाइन है, सेम पुराने वाले डब्बे की तरह। पुराने वाले में भी यही सब आपको देखने को मिलता था। इसके अंदर ज़्यादा आपको कुछ है नहीं। ये पंखा है जो थोड़ा हैवी सा पंखा, इस बार देखने को पिछली बार वाला जो पंखा था वो थोड़ा सा महंगा था, तो पतला सा था, सस्ता है तो थोड़ा मोटा था। इसमें भी यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा ये चौड़ा है। और भाई ये वाला जो पूरा हिस्सा है ना, ये पूरा ठंडा पड़ा है अभी अभी, मैंने इसको इस्तेमाल भी नहीं करा है। जबकि यहाँ पे मसार्जी भी लाइट वगैरह चलती है, वो भी दिखाता हूँ अभी। और ना पिछली बार मैंने रियलमी के थम स्लीव्स भी मंगाए थे, इसको भी इस बार हम पहन के ट्राई करने वाले हैं। ये 129 रुपये के थे, और ये वाला जो पंखा है ना 1000 रुपये का है, ये ट्रिगर भी 1000 रुपये का है एक, और ये वाले जो दो हैं ये 700 रुपये का आपको देखने को मिलते हैं। बाकी ये वाले हम पहनेंगे अभी, गेमर बन जाते हैं। तो भाई सबसे पहले ना अपन इस वाले कूलिंग बैक क्लिप की बात करेंगे। तो सबसे बेकार चीज के अंदर ना, सबसे पहली चीज ये है कि ये ना बिजली से चलता है, तो आपको पावर बैंक वगैरह की जरूरत पड़ेगी, या फिर आप सीधा स्विच में इसको चार्जर कनेक्ट करके भी चला सकते हो। तो इसमें ये टाइप सी वाला केबल आपको देखने को मिलता है, इसके अंदर लगाओ, दूसरा पावर से अटैच करो। ओहो ये चल गई। इस बार तो भाई इसमें बटन वटन भी नहीं दिए गए, पिछले बार वाले में तो बटन वटन थे, जिससे कि आप एक से पंखा चला सकते थे और एक से बाकी। और भाई चलाते ही ना जस्ट एकदम ठंडा हो गया है। इसका टेम्परेचर दिखाता हूँ, 26 डिग्री देख रहे हो, नॉर्मल देखो 30 डिग्री चल रहा है। और बाकी इसकी बात करें तो ये देखो 25 हो गया, अभी 26 था, 23, बहुत तेज़ी में ठंडा कर रहा है भाई, 23 डिग्री पे आ भी गए, और मस्त ठंडा भी लग रहा है छूने में। वैसे इस पर हाथ वाथ नहीं मारना होता है, पर अभी ना हम नॉर्मल थोड़ा सा फ़ोन में गेम खेल के देख लेते हैं, और इसको फटाफट से हीट हो जाते हैं। तो जो अपना सारा सीन शॉट है ना पोको X3 प्रो में करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल भी पोको X3 प्रो है गेमिंग डिवाइस के नाम पे। तो मेनली ना भाई अभी हमने इसके अंदर पोको X3 प्रो के अंदर ना मैच वगैरह ट्राई करे हैं, और थोड़ा सा फ़ोन का टेम्परेचर ना अप कर दिया है। इस बार हमने 36 डिग्री तक पहुंचा दिया है इसको, अभी मैक्स हमने 36.2 देख सकते हो चल रहा है। अभी हम ना पंखा उंखा लगा के देखते हैं इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है पंखा लगाने के बाद। और मेनली ये पूरा ही ठंडा होता है, तो उसको कैसे भी लगा लो, चाहे उल्टा चाहे सीधा। ओहो भाई, तो भाई इसको हमने यहाँ पे सेट कर लिया है, ज़्यादा इधर करेंगे तो अपना हाथ भी ब्लॉक हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ ये फ़ोन पे सेट हो जाएगा अपने। पोको X3 प्रो पे आ तो गया है, पर हल्का फुल्का जो इधर जगह वगैरह है ना, पर हो गया है। चलो कैसे भी करके कवर लगा के करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। अभी इसका ये जो तार है इसके उर्स देते हैं, यहाँ से भाई ठंडी हवा ये फेंक रहा है और मस्त। और पिछले बार वाले में हमने उंगलबाजी करी थी, इसमें उंगलबाजी करने के लिए मौका नहीं दिया है हमें, फिर भी करके देखेंगे। अभी उंगलबाजी इज़ इम्पॉर्टेंट। हल्का सा पंखा है भाई इसका, कुछ नहीं होगा, और चल रहा है आराम से। थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल तो है भाई, पीछे लगा हुआ है ना क्योंकि हाथ में। Target
अरे बाबा भाई कम कर रहा है, बढ़वा रहा है। 47 चल रहा है इसका टेम्परेचर, 43। पंखेबाजी हटा के देखते हैं एक बार। तो भाई ये तो मस्त ठंडा हो गया, एक बार फ़ोन का भी यहाँ से देखें तो फोन ना यहाँ यहाँ से ठंडा चल रहा है, बस बाकी पूरा हीट मार रहा है दबा के। एक बार टेम्परेचर चेक करें, 37 चल रहा है भाई यहाँ से, और ऊपर से बात करें तो ऊपर से 43 टच है। और भाई अभी रूम के अंदर ना एसी ना फैन कुछ भी ऑन नहीं है, तो उस हिसाब से ना जो फ़ोन का टेम्परेचर है वो 44 डिग्री तो मैक्स पहुँच गया। अभी जब हमने चालू करा था ना, मैं तो 36 डिग्री पर चालू करा था, तो टेम्परेचर अप गया है। ये भी नहीं कि उतना ही रहता ना कम हुआ, बल्कि बढ़ और गया। और फ़ोन ना ऊपर और नीचे से ना गर्म पड़ा है पूरा। जहाँ जहाँ पर हमने कूलर लगाया मामा से ठंडा था थोड़ा, वो भी 36 पर शुरू करा था, तो बीच में 37 डिग्री, फिर भी एक डिग्री अप चला गया। तो जो पंखेबाजी ना उतना मेरे को कुछ बढ़िया लगी नहीं है। तो अपना जो पहला प्रोडक्ट है ना, ये उतना खास कुछ मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं रहने वाला, क्योंकि भाई ना तो ये प्रॉपरली उतना तो तगड़ी तरीके से काम करता है, और थोड़ा सा महंगा भी देखने को मिलता है 1000 रुपये का। बाकी बिना पावर बैंक के या फिर पावर सप्लाई के ना आप इसको चला भी नहीं सकते, तो ये भी दिक्कत की बात है। तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं, सेकंड प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं अपने। पहले भाई ये वाले ट्रिगर हम टेस्ट करते हैं, इसकी जो एक्साइटमेंट ना थोड़ी ज़्यादा है। तो इसके अंदर भी सेम आपको ये इलास्टिक डिज़ाइन देखने को मिलता है स्ट्रेचेबल वाला। इसको आप यहाँ यूँ अपने फ़ोन पर लगाओ, पीछे से कैच की में लगा दो। पोका X3 पे भाई सब कोई सेट होने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, पोका X3 पे थोड़ा सा मोटा है ना, इसलिए थोड़ा सा ना दिक्कत होती है। अगर बंदे इसको कहीं ऐसे सेट कर देते हैं तो ऐसे सेट नहीं करना है, इसको पूरा इसके ऊपर चढ़ाना है, और ये वाला जो पार्ट है ना ऐसे करके आता है। तो भाई वैसे ही क्यों काम करे बड़ा। ओ भाई ओ थोड़ा सा कम रिस्पांस दे रहा है भाई। ये मान लो कि 2 या 3 बार में से ना एक बार काम ये कर रहा है। चलो अभी तो बंद भाई, बंद 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 बंद। खुल ही नहीं रहा भाई। तो भाई इस वाले में ना थोड़ी सी पोको X3 Pro पे दिक्कत हो रही है। एक बार दूसरे डिवाइस पर हम टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि पोको X3 Pro थोड़ा सा मोटा बैठ रहा है ना, दूसरे डिवाइस पर टेस्ट करते हैं कि क्या उस पर भी वर्क करता है प्रॉपरली या फिर उस पर भी नहीं करता। तो इस पर करेंगे भाई हम अपने आईफोन 13 पे। लिखा हुआ है रूल दी गेम और चल रहा है ये है नहीं। एक बार ही भी ऑन नहीं हो रहा भाई इसको। तो भाई इसमें भी लगाया है, इसमें बाकी फोन में तो ना वर्क ही नहीं कर रहा है प्रॉपरली, पता नहीं क्या सीन है इसका। ओके एफ जी टी में लगाया, वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है, ट्रिगर्स हैं इसमें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर भाई देखो एक बार ही भी ये जो काम नहीं कर रहा है। तो भाई ये वाला जो अपना दूसरा वाला प्रोडक्ट है ना, इस पे 1000 रुपये जो थे अपने बर्बाद हो गए हैं। 1000 रुपये का पहली बात तो ये एक देखने को मिलता है, और उतना जो रिस्पांस टाइम है ना एक्यूरेट नहीं है, मतलब कि 2 या 3 बार अगर आप इस पर टैप करोगे तो उसमें से 1 या 2 बार ही आपका स्कोप वगैरह ओपन होगा। और भाई सारे फोनों पर ना ये वर्क भी नहीं करेगा, तो क्या पता आपके पास कोई अलग फोन और आपके फोन पर वर्क ना करे तो आपके पैसे बर्बाद हो जाए। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ना मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड नहीं रहने वाला है। और ये जो फैन था तो ये भी उतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं रहने वाला है, ये सब पैसे खराब करने वाली चीज़ें हैं दोनों चीज़ें। अब ना जो अपनी लास्ट चीज़ है ना वो है ये वाले ट्रिगर्स, ये नॉर्मली क्लिप की तरह आपको देखने को मिलते हैं ऐसे करके है, जैसे आप इसमें फ़ोन लगा दोगे और ये फ़ोन के हिसाब से एडजस्टेबल है। तो भाई ये देखो ये नॉर्मली ऐसे चिमटी तरह सेट हो जाते हैं। एक कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये वाला मैं सेट कर लिया है, और दूसरा वाला स्कोप पे भी सेट कर लेते हैं। वॉल्यूम बटन वगैरह सब इसके नीचे रह गया है। और अगर आपका कैमरा बम्प इस साइड है ना तो दिक्कत होगी थोड़ा सा लगने में, क्योंकि इधर ही कैमरा हुआ तो यहाँ पे लग पाएगा, तो आपको दूसरी साइड लगाना पड़ेगा और उस वजह से आपका स्पीकर ब्लॉक हो जाएगा। तो भाई ये वाला देखो, ये वाला थोड़े से मेरे को सही लग रहे हैं। स्कोप पे दबाने पे स्कोप का बटन खुल रहा है मस्त आराम से, फायर पे फायर हो रहा है। ऐसा नहीं कि टैब होते ही आपका खुल जाएगा, क्लिक करना पड़ेगा आपको पूरा तभी खुलेगा। इसके अंदर ना मैं अपना स्कोप वाला मोड और पीक वाला जो मोड होता है ना उसको आप मिक्स पे भी यूज़ कर सकते हो बड़े आराम से। जैसे इसको आप दबा के रखोगे तो स्कोप ओपन रहेगा, इसको छोड़ते स्कोप ऑफ हो जाएगा। तो ये मेरे को सही चीज़ लगी है इसके अंदर, जो दूसरे वाले ट्रिगर के अंदर आपको देखने को नहीं मिल रही है। Kill,
बॉस से लॉन्डो। तो भाई अपनी जो ये पहली चीज़ है ना यहाँ पे, ये वाले जो ट्रिगर है ये काम करें हमारे प्रॉपरली। और इसका जो प्राइस मैंने आपको बताया था 700 रुपये का आपको देखने को मिलते हैं, और इसमें दोनों में देखने को मिलते हैं भाई। अपना जो ये वाला गेमिंग ट्रिगर है ना भाई, ये 1000 रुपये का देखने को मिलता है। और भाई मेरे को देख के लगा था कि बढ़िया होगा, पीछे वाले बटन है तो आराम से यू करके दोनों में खेलेंगे। सबसे पहले बेकार चीज़ मेरे को इसके अंदर ये लगी कि 1000 रुपये के अंदर ना एक आपको देखने को मिलता है, वर्क प्रॉपरली नहीं करता है, और भाई ऊपर से चार्ज वगैरह की भसड़ और है। ये वाला ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन पर वर्क कर जाएगा, एक आठ डिवाइस हो सकते हैं भाई जिस पे वर्क ना करे, बस ऑलमोस्ट जितने डिवाइस है ना मेरे पे उन सब में ये वाला वर्क कर गया था। और इस वाले की गारंटी मैं नहीं देता भाई, ये वाला ना वर्क नहीं करा मेरे मोस्ट ऑफ द डिवाइसेज में, तो उस वजह से मेरे को थोड़ा बेकार लगा। पोको X3 प्रो में वर्क कर रहा था पर उतना अच्छे से नहीं कर रहा था, 2 या 3 बार मैं इस पर टैप कर रहा था ना उसमें से 1 या 2 बार स्कोप ओपन हो रहा था सिर्फ, तो उस वजह से मेरे को ये वाला बेकार लगा है। 1000 रुपये इसके अंदर भाई लगाना मेरे को कोई मतलब नहीं लगा है। बाकी अगर इनके अंदर आप पैसा लगाते हो ना तो आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, फोन आपका हीट उतना ही करेगा, बस थोड़ी देर के लिए आपका ना फोन उतने हिस्से से ठंडा कर देगा, वो भी उतना नहीं मेंटेन ही कर पाएगा, सिर्फ ठंडा भी नहीं करेगा, उस टेम्परेचर पे कंट्रोल करके रख लेगा। बाकी भाई हीटिंग इसके बाद भी आपको अपने फोन के अंदर देखने को मिलेगी, तो मैं आपको बोलूंगा कि इसको लेने का कोई फायदा नहीं, पैसा आपका बर्बाद होगा साथ में टाइम भी, तो कोई फायदा नहीं। ये दोनों डिवाइस मेरे को बेकार लगे हैं। अगर आप परचेज करने का सोच रहे थे ना तो गेमिंग ट्रिगर आप ये वाले देख सकते हो। भाई बंदे बोलेंगे कि 700 रुपये के तो काफी ज्यादा महंगे हैं, बाकी ना मैंने इससे जो अपने सस्ते वाले होते हैं ना जो ऑफलाइन मार्केट में मिल जाते हैं ऐसे वाले, ये 200-250 वाले, तो भाई ये भी मैंने ट्राई करे हैं, ये तो आप देखना ही मत भाई, ये फटाफट टूटते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये 250 रुपये के मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिए थे दोस्त ने लिए थे उसके रख लिए मैंने, तो ये भी ऐसा लगता है कि इस प्रॉपरली वर्क करेंगे, पर ये वाले भी ना मेरे को बहुत ज़्यादा बेकार लगे हैं, इनकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी बेकार है और ना ये वर्क करते हैं। बाकी भाई सारे जो प्रोडक्ट हैं उनका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इनको मैंने realme.com से खरीदा था, उससे पिछली वीडियो में भाई हमने रियलमी स्लीव्स खरीदी थी, ये वाली जो मैंने अपने हाथ में पहनी हुई है, इसमें से ब्रांडिंग छूट गई है रियलमी की, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, फटी वटी नहीं है। और ये वाला जो कूलिंग बैग के लिए था ना 1800 रुपये का था, ये भी एकदम यूजलेस था भाई, पिछली बार वाली वीडियो के अंदर आपको देखा ही होगा। डिस्क्रिप्शन में जरूर से मैं उस वाली वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो वाली जरूर से आप चेकआउट कर सकते हो, पंखा वगैरह चेक करना है तो ये जरूर से आप ले सकते हो भाई। ये प्रोडक्ट मेरे को काफी ज्यादा सही लगा है, 129 रुपये का सस्ता भी और काम भी काफी ज्यादा सही करता है। अगर आप ज्यादा गेमिंग वगैरह करते हो ना तो हाथ वगैरह में पसीना आ जाए, काफी सारे बंदे पाउडर आटा वाटा कुछ लगा लेते हैं, तो उस वजह से वो लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाले मेरे को काफी ज्यादा सही लगे, एक बार के मोमोज के पैसे बचाओ ये खरीद लो। ये वाले जो ट्रिगर है रियलमी के, ये प्रॉपरली आपके वर्क करते हैं, तो आप इनको परचेज कर सकते हो। रियलमी स्लीव्स भाई सबसे ज्यादा मेरे को वैल्यू फॉर मनी लगी है, क्योंकि 129 रुपये की सिर्फ, और काफी ज्यादा अच्छे से वर्क भी करती है। पंखे पंखे के चक्कर में मत पड़ना भाई, और ये वाले ट्रिगर वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, जिसमें चार्जिंग वार्जिंग की भसड़ है ना वो तो लेना ही मत भाई, इसके अंदर आपको कोई चार्जिंग वगैरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलती, तो आप ये वाले जरूर से परचेज कर सकते हो। अब भाई जिन लोगों के पास Poco X3 GT है वो लोग अलग ही चौड़ में होंगे कि भाई तेरे को ट्रिगर लेने पड़ रहे हैं, हमारे पास ये नेचुरल ट्रिगर्स हैं। तो भाई Poco X3 GT काफ़ी ज़्यादा तगड़ा फोन है, इसके अंदर आपको ट्रिगर्स देखने को मिलते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो के अंदर मजा आएगा और वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई ना तो वीडियो को जरूर से आप लाइक कर देना, और ऐसे अमेजिंग कंटेंट हम चैनल को बुलाते रहते हो, पब्जी डैश वगैरह भी अपने चैनल को लाते रहते हैं, तो उन वाली वीडियो को देखने के लिए जरूर से चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, 2 लाख सब्सक्राइबर चैनल के ऊपर फटाफट करवा दो। और भाई सेकंड चैनल के ऊपर भी हमने गेम प्ले वीडियो डाल दिया है, वो भी चेकआउट नहीं करते डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो सारे प्रोडक्ट है इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, realme.com से खरीदा है मैंने, दोबारा से बता रहा हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और कमाल के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।